स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अनब्रांडेड जो गुड्स हैं, मध्य पदार्थ हैं, उन पे 5% जीएसटी का सामना आपको 18 जुलाई से करना होगा। देश भर के व्यापारी इसको लेकर के नाराज हैं, बैठकें हो रही हैं। 16 तारीख को देश भर की मंडियां, व्यापारिक प्रतिष्ठान तमाम बंद रखे जाएंगे और 18 तारीख से ये जीएसटी लागू होने, 5% जीएसटी लगेगा, इसका विरोध कर। व्यापारियों का तर्क है कि ये जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ है, ऐसा किया नहीं जा सकता। तो चलिए, आप स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे हैं कि क्या एजेंडा है, कितनी मंडियां बंद रहेंगी, कितने चावल के मंडियां हैं वो बंद रहेंगी, कितनी चक्कियां बंद रहेंगी, कितना जो व्यापारी अपना विरोध जताएंगे। बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से सीएल यादव साहब जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या विरोध है और क्यों व्यापारी विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। बात यह है कि एक जीएसटी काउंसिल ने 28-29 तारीख को ये कहा कि जैसे गेहूं है, आटा है, दाल है, चावल है, इनको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत पैक और लेबल्ड बिकने का फायदा करते हुए जीएसटी में शामिल करने की बात करके, अनुशंसा करते हुए केंद्र सरकार को ये कह दिया कि आप इस पर जीएसटी लगा दीजिए और 18 तारीख तक ये जीएसटी लग जाएगा। अब बात ये हुई कि हमें क्यों कष्ट है। हमें पहला कष्ट तो यह है कि राष्ट्र के और जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे 7,300 मंडियां हैं, चाहे 13,000 दाल मिले हैं, चाहे 9,600 चावल मिले हैं, 8,000 आटा मिले हैं और 3,00,000 के करीब आटा चक्कियां हैं और करीब 3 करोड़ लोग अलग से जुड़े हुए हैं जो खुदरा व्यापारी हैं। वो सारे के सारे ये कहते हैं कि अधिकतम हम भारतीय जनता पार्टी के या तो उनको समर्थित हैं या उनके लोग हैं। और उसके बावजूद जब हमारा प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते रहे, जो हमारे वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी, कि जीएसटी आएगा परंतु जीएसटी कभी भी आवश्यक वस्तु पे नहीं लगेगा, और इस भावना के विपरीत इन्होंने ये लगाया। कल मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहा था, पूरे प्रांतों से लोग आए हुए थे, ऐसा कोई प्रांत बाकी नहीं था, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो और आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सारे लोग वहां पर मौजूद थे, सबके प्रतिनिधि, और सब में रोष एक ही बात का था कि इससे हम बार बार ये कह रहे थे कि आप इस आवश्यक वस्तु पर जो लगा भी दिया आपने, कुछ तिलहन पे लगा रखा है और कुछ मसालों पे लगा रहा है, इनका वापिस लीजिए, ये बार बार कह रहे थे। और उसके बावजूद जीएसटी काउंसिल ने बिगर ये बताए कि ये पैसा क्या काम में लेंगे। पैसा काम में लेने की बात इसलिए उठी कि बेसिक जब जीएसटी की बात सोची गई थी, संरचना की गई थी, लगाने की बात हुई थी, तो कहा गया था कि 1,00,000 करोड़ रुपया अगर पर मंथ का आ जाता है तो जीएसटी सफल हो जाएगा। आज 1,50,000 करोड़ रुपया, 50,00,000 करोड़ रुपया आ रहा है, 1,50,000 करोड़ रुपया पर मंथ का आ रहा है, और उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजों पे, मतलब अब जैसे ऐसा लग रहा है कि मल्टीनेशनल ने कोई डायरेक्शन दे दी है। अब आप देखिए कि डायरेक्ट बात हो गई, गुड़ चावल तेल, ये गुड़ चावल तेल पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, गुड़ है, चावल है, आटा है, दाल है, इस पर लगा दीजिए। और इसके अलावा ये कहा कि जो जैसे मान लीजिए गेहूं का आटा बनता है, दाल बनती है, तो उन चक्कियों पर भी 5% से बढ़ा करके 18% कर दिया। अगर इनका भंडारण होता है तो भंडारण पहले मुक्त था, उसको भंडारण को भी टैक्स के दायरे में लिया है। मतलब एक जगह नहीं, ऐसा लगा कि कोरोना काल में ये वर्ग तो पूरा पिट गया, मध्यम वर्ग है ये, और मध्यम वर्ग में पूरा का पूरा पिटा है। और ऐसी स्थिति हो गई कि दुकान में तो पैसा नहीं है जो लागत लगाई हुई थी, और उधारी आती नहीं है, ऐसी स्थिति में जेब हो गई उपभोक्ता की खाली। अब वो कहेगा, जैसे मान लीजिए मंडी में गेहूं आया, मार्का लगा, भरा हुआ, टैक्स लग गया, आटा मिल गया, आटा मिल से किराने की दुकान पे गया, किराने की दुकान ने में जो 40 रुपए की तेली है
वो उपभोक्ता को कहेंगे 42 रुपए के लिए, वो कहेगा कि भाई साहब हम लोग 55 करोड़ हैं, आपने तेल में दाम बढ़ाए, पेट्रोल में दाम बढ़ाए, हमने सह लिया, गैस में दाम बढ़ाए आपने सह लिया, क्योंकि वो आवश्यकता चीज थी। पेट्रोल पे तो हमने ये कर दिया कि आप इतना बढ़ा, आप मैं तो 1000 रुपए का तेल डलवाता हूँ एक महीने का, अब मैंने कह दिया भैया वहां बढ़ा दिए, मैं मेरी आवश्यकता कम करूंगा, मैं तो 1000 का ही तेल डालो, ये कर दिया। पर आटे में क्या करूंगा, आटे की तो 40 की बजाय 42 की थैली मुझे खरीदनी। मैं वापस आ रहा हूँ गुप्ता साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं हमारे साथ केएल यादव जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यादव साहब आपके पास आना चाहूंगा। तर्क यह दिया जाता है कि डेवलपमेंट का एक मॉडल है टैक्स, और अगर विकास करना है तो आपको टैक्स देना होगा। शर्मा जी आवाज नहीं आ रही, आवाज का स्लो आ रही है, बहुत सुनाई दिया जी। सवाल यह है मेरा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज स्लो है लेकिन थोड़ा। हाँ सवाल यह है कि सरकारों का यह तर्क है कि डेवलपमेंट का मॉडल अगर आपको इख्तियार करना है, आपको लागू करना है, तो टैक्स भी उसी का एक अंग। आप टैक्स देंगे तो डेवलपमेंट होगा, विकास के लिए पैसा चाहिए, यह सरकारों का तर्क है। सर सरकारों के तर्क अपनी जगह है, देश का जो ढांचा है उसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। आज ही हम समाजवाद की बातें कर रहे हैं, एक मिक्स इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं इंडिया की, और हम किस इकोनॉमी में जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो फोकस है सरकार वो कैपिटलिस्ट की है, समाजवाद की तरफ फोकस नहीं है। टैक्स की बात है कि रेवेन्यू चाहिए, लेकिन रेवेन्यू किस कोर्स पे चाहिए। आज आप पिछले 8 साल में देख रहे हैं कि जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, गरीब को लगातार लूटा जा रहा है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल की बात करें, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल पे, आप जहाँ पे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 2014 में 3.56 रुपए हुआ करती थी, आज कितनी है, 15 रुपए से ज्यादा। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो ये जो सरकार के जो लूटे का जो इनडायरेक्ट टैक्स से जो तरीका है डेवलपमेंट के नाम पे, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लेके आ रहे। ये देश अमेरिका नहीं है, ये देश ब्रिटेन नहीं है, ये भारत है। भारत की आपको ऐसो भी समझनी पड़ेगी, भारत का डीएनए समझना पड़ेगा, ये समाजवाद है। यहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। इस सरकार का फोकस है कैपिटलिस्ट की तरफ, 1% को फायदा होना चाहिए, 99% की परवाह नहीं है। किसके लिए डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जहां पर मिक्स इकोनॉमी में हमेशा ध्यान दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इस सरकार ने डायरेक्ट टैक्स पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की छूट दी पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को, और गरीबों को लूटा जा रहा है। आज पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स दिया जा रहा है, किस कीमत में, गरीबों की कीमत में, मध्यम क्लास की मदद की कीमत के ऊपर। यदि इनको डेवलपमेंट चाहिए तो इनको इनकम टैक्स की रेट बढ़ानी पड़ेगी, कैपिटल जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स की रेट बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ये गरीब को लूट रहे। बिस्किट का पैकेट आता है, गरीब के लिए भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, अमीर को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है। आटे के ऊपर गरीब को उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, अमीर को भी उतना टैक्स देना पड़ रहा है। रसोई गैस 1000 रुपए गरीब को भी खरीदनी पड़ रही है और अमीर को भी 1000 में ही खरीदनी पड़ रही है। कौन से विकास की बातें कर रहे हैं, गरीब का शोषण करके विकास करेंगे ये लोग, मध्यम क्लास का शोषण करके विकास करेंगे ये लोग। जी मैं यादव साहब जवाब दिलवाता हूँ, सुरेश गर्ग जी जवाब देंगे इसका। गर्ग साहब, डीएल यादव साहब का ताल्लुक कांग्रेस से हो सकता है, लेकिन बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हैं, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई वो ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है भारत का, भारत की बातें करें, ताल्लुक कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। आपको धरातल स्थिति समझनी पड़ेगी। क्या आ रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास में, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। तो गर्ग साहब बात यहाँ आदमी से जुड़ी हुई है, महंगाई की मार झेल रहा है, 5% जीएसटी अगर उस पर लगता है तो चपाती तो खाएगा, वो खाना खाना है उसको, चावल भी खाएगा, दाल भी उसे खानी है, दही भी उसको काम में लेना है, और अगर ये पैक हो गए तो उसके बाद में आपको 5% टैक्स लगाना है। जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ इसे व्यापारी बता रहे हैं। आप छोड़िए राजनीति क्या करें, लेकिन व्यापारी इसे जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। क्या रोल बैक करना होगा, या फिर 18 तारीख से बिल्कुल ये मानना जा सकता है कि हाँ बिल्कुल तैयारी है और लागू करना ही पड़ेगा। आज बाबूलाल जी की जो बात है बिल्कुल जायज है कि भाई अभी 5% हम खाद्य तेलों पे या पेट, अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी हो क्या रहा है कि ब्रांडेड
अनब्रांडेड और खुला आइटम, अभी तीन तीन कैटेगरी हुई है, ब्रांडेड, पैक्ड आइटम और खुला आइटम। अभी जो जीएसटी लग रहा है वो केवल ब्रांडेड पे लग रहा है, और जो पैक्ड आइटम और खुला आइटम पे जीएसटी नहीं लग रहा। 18 जुलाई से जो पैक्ड आइटम है, ब्रांडेड या अनब्रांडेड, कोई सा भी हो, उस पे जीएसटी लग रहा है। उसके पीछे केंद्र सरकार का लॉजिक ये था कि ब्रांडेड जो कंपनियां हैं वो ब्रांडेड कंपनी भी टैक्स चोरी के लिए पैक्ड आइटम के माध्यम से बेच रहे थे और वो टैक्स चोरी कर रहे थे। उस चीज को बचाने के लिए ये चीज की है कि भाई जो भी पैक्ड आइटम होगा उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, जो खुले के अंदर माल बेचेगा उसके ऊपर किसी रूप का किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रांडेड कंपनी जैसे आईटीसी कंपनी हो या जो भी बड़ी कंपनियां थी, वो अपने ब्रांडेड के साथ साथ वहां से अनब्रांडेड चीज की भी पैक्ड आइटम में बेच रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। उसको बचाने के लिए ये एक केंद्र सरकार का सुझाव था और उसको लागू किया। लेकिन तो मैं ये एक प्रवक्ता जी, गर्ग साहब, अगर छीजत को रोकना था, चोरी को रोकना था, तो उसका तो मैकेनिज्म अलग से डेवलप करना चाहिए था। इसमें तो ये कहूंगा कि चने के साथ गुण भी पिस जाएंगे। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया कि साहब पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, अरे भाई पेट्रोल डीजल पे हमने वास्तव में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, लेकिन हमने एक्साइज ड्यूटी वापस बहुत कम कर दी है। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर वेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देश को अगर राजस्थान में लूट रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार लूट रही है वेट के रूप में। आप ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट है तो राजस्थान में, तो पेट्रोल डीजल पे भैया राजस्थान में ही लूटा जा रहा है। जनता को उसके अंदर राहत दे दीजिए। अब मंडी टैक्स है, मंडी टैक्स पे पहले 0.5% हुआ करता था, केंद्र राज्य सरकार के अंदर गहलोत जी ने उस पर 2% 2.5% मंडी टैक्स लगा दिया था, बाबूलाल जी ने, इन्होंने सबने विरोध किया। विरोध करने के बाद में क्या किया गहलोत जी ने, 0.5% रिड्यूस किया है, 0.5% से 1.5% मंडी टैक्स लगाया इन्होंने। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि भैया जनता को राहत दो, जो 0.5% मंडी टैक्स था उसको 0.5% रहने दिया, उसकी जगह 1.5% कर दिया, और इन्होंने उस पे बाय बाय लूट के बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि साहब गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने साहब उसमें रिड्यूस किया 2% से 1.5% किया, जबकि 0.5% से 1.5% मंडी टैक्स बढ़ाया। तो भैया राजस्थान के अंदर जो स्थिति भयानक हो रही है उसको कांग्रेस को सोचना चाहिए। हाँ ये मैं मानते हैं कि साहब अभी जो 5% है इस पे लगाया है और ये केवल पैक्ड आइटम पे है, खुले आइटम पे कोई टैक्स नहीं है, तो इस पे हो सकता है 18 जुलाई से है उसके बीच में हो सकता है केंद्र सरकार है। फिर दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 28-29 को, जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसीजन हुआ था, ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे, कांग्रेस की सरकारें भी है कई जगह, कम से कम 5-6 राज्यों के अंदर तो है कांग्रेस की, अगर है तो 2 राज्य में तो ही है। तो उन कांग्रेस के प्रतिनिधि ने उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं किया कि साहब ये गलत है? विरोध करते तो सामने बात आ जाती है ना कि साहब कांग्रेस ने इस पे विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां जाके तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि साहब ये चीज है। सीएल यादव जी कुछ कह रहे हैं, सीएल यादव जी कुछ कह रहे हैं। आप इसको ईपी को उठाइए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ रही है सीएल यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बाबूलाल गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब आपने सुना कि टैक्स चोरी रोकने और टैक्स की छीजत को कम करने के लिए ये सारे प्रयास कर रही है सरकार। देखिए ऐसा है कि अगर किसी चीज पे पर्दा डालने की बात हो वो तो बात एक अलग है। अब ये पहली बात तो इन्होंने ये कही कि मंडी टैक्स इतना था इतना बढ़ गया, इनको शायद नॉलेज नहीं है मंडी टैक्स का। सरकार चाहे बीजेपी की आती है चाहे कांग्रेस की आती है, बाबूलाल गुप्ता तो झंडा लेके खड़ा हो जाता है और कभी मंडी टैक्स बढ़ने ही नहीं देता, तो इसलिए गलत न्यूज देना ठीक नहीं है। ये शुरू शुरू में 2.5% थी, 2.5% से घटा के 1% की गई, 1% की गई, 0.50 की गई, तीन तरह के अलग अलग देशों पे अलग अलग तरह थी। कोरोना काल में हमने जब सरकार पे दबाव डाला तो उस समय में इसको कम किया गया और जब हमारी आड़त भी कम कर दी गई, उस आड़त को हमने कहा कि भाई आप आड़त भी बढ़ा दीजिए हमारी, और आपकी जो मंडी टैक्स है मंडियां नहीं चल रही है, हमारी सफाई नहीं होती है, हमारी मेंटेनेंस नहीं होती है, तो जो आप 1.60 था वो वापिस कर लीजिए, और जिस पर 1% था आपने 0.75 कर दिया था वो आप 1% कर लीजिए, और जिस पर 0.50 है वो 0.50 ही करिए।
राज्य सरकार 0.50 कल्याण कोष को भी बढ़ाना चाहती थी, हमने दबाव डाला, हमने नहीं बढ़ने दिया। खैर ये बात अभी गेहूं आटा दाल से बिल्कुल जुदा है, और ये 5% का डिवेशन नहीं होना चाहिए कि इधर का उधर हम घूमें और जो वास्तविक मौजूदा स्थिति में जो गंभीर समस्या आई है उसको हम हटाएं। दूसरी बात आपने कही कि उसकी चोरी रोकने के लिए, पहली बात तो ये कि चोरी करने वाले कितने लोग थे आपके आपके ध्यान में, गिनती में थे, उनको रोक लेते। उस रोकने के लिए आप इतने बड़े तबके पर, जो एक छोटे से छोटा व्यापारी है, छोटे से छोटा दाल मिल वाला है, आटा मिल वाला है, ये आपके दूसरी जो फैक्ट्रियों वाले हैं, चावल मिल वाले हैं, उन पर इस तरह का भार डाल रहे हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है, जितनी बात ऐसे छोटे सूक्ष्म में यो कह देना कि इससे ये फर्क होगा। ब्रांडेड और अनब्रांडेड का झगड़ा इतना था कि जो बड़ी कंपनियां क्या कर रही थी हमें पता नहीं। बड़ी कंपनियों का ट्रेड ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में भी 15% है। 85% में मेरे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग हैं, एमएसएमई व्यापारी हैं, और वो अपना ट्रेड करते हैं। परंतु कोरोना काल जब आया तो ये लोग सब अपना, मैं जैसे पहले भी बताया मैंने कि अपनी पूंजी खो बैठे, दुकान में आज पूंजी नहीं है, उद्योग में पूंजी नहीं है, और लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना कैसे जैसे रोजगार चला रहे हैं। अब अगर मान लीजिए जरा सा भी टैक्स का इधर उधर होता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा भार पड़ जाता है, टर्नओवर पे असर आएगा, टर्नओवर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से प्रॉफिट भी कम होगा, अपने खुद की दिनचर्या नहीं चला पाएंगे। तो जो इतने बड़े, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, एक दुकान कम से कम 40-50 लोगों का जीवन यापन करती है, एक फैक्ट्री है वो 300 आदमियों का जीवन यापन करती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां फिर भी उसमें कोई क्या काम करता है, नहीं भी करता है तो कोई ठेली वाला है, कोई माल लोड करने वाला है, कोई और है, इस तरह के लोग। अभी मैं परसों ही जब मेरी मंडी में गया तो कहने लगा भाई साहब कतरो मैंगो करोला आटो, वो रोज मेरे से 400 रुपए लेता है और लेकर के आटा दाल खरीदता है, कुछ पैसा अपना गांव बेचता है। अब वो कहता है कि आटो महंगो हो जाए लो, दाल महंगी हो जाए ली, तेल थे पहली महंगो कर मिलो छे तो फिर और काई महंगो करोला। मैंने कहा भाई तू तसल्ली रख, हमारी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप से सुनेगी और हम जो बात करें वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत तसल्ली दी उसकी, पर साहब वो मेरे कपड़े ही फाड़ने लग गया कि थे बेईमान छो, थे लो ना 40 का 41 आटा का। अब तो उसको जवाब नहीं दे सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लगाया गया है और लगाने के लिए कह दिया गया है तो 18 तारीख को लग जाएगा। परंतु अच्छी बात है केंद्र सरकार इसके बारे में सोचे, केंद्र सरकार को चाहिए कि ये टैक्स अब इस तरह के टैक्स नहीं लगाएं। जैसे मैंने कहा कि कृषि जिनको किस तरह से घेरा है, एक पेस्टिसाइड की जो मशीन है, ग्रेडिंग क्लीनिंग की मशीन है, 5% से 18% कर दिया। दूसरा जो वेयर हाउसिंग का है उस पर पहले टैक्स नहीं था, उस वेयर हाउसिंग पर भी, ट्रांसपोर्टेशन पे वेयर हाउसिंग पे भी टैक्स इम्पोज करने की बात इस जीएसटी में कर दी गई है, इस जीएसटी काउंसिल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े ट्रेडर हैं, मतलब मल्टीनेशनल्स, उनकी निगाह अब पूरी एक ही तबके पर है कि अगर किसी की जीडीपी नहीं गिरी और कोई उद्योग और धंधे अगर मान लीजिए प्रभावित नहीं हुए तो ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये अपने चलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिए हमको वहां से कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, उसकी पालना यहाँ गांव गांव में हुई और हर लोग, हर व्यापारी ने अपने भंडारे खोल दिए, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। अब आदेश की पालना नहीं होगी। देखिए ऐसा है, मैं एक बात आपको बताता हूँ योगेंद्र जी, कि कोई जैसे माँ है और अपने बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। हमने आवाज लगाई है, हमने कहा है कि देखिए ये गलत है, हमारे ऊपर ये बोझ आ जाएगा तो हम इस बोझ को नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए हम ये सोच के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें जरूर हमको इमदाद देगी। यादव साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, अभी आपने सुना, मैं गुप्ता साहब के पास चला गया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। साफ आरोप है कि जब जीएसटी की काउंसिल में ये बैठक हो रही थी तो उस दरमियान कांग्रेस खामोश क्यों थी, अगर ऐसा लग रहा था तो, ये गर्ग साहब का एक सवाल है। सर ये गर्ग साहब को मालूम है कि जीएसटी काउंसिल में क्या डिस्कस हुआ, कौन बोला, कोई नहीं बोला, मिनट्स आ गई क्या गर्ग साहब के पास? हमारी बात तो मिनट्स आई है, बात आप विरोध करते हैं, हमारी बात तो मिनट्स आई है, बात होते आते गहलोत जी। तो गर्ग साहब के पास, गर्ग साहब हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रेजेंट हो, हम, मैं तो था नहीं, हमारे को तो पता चलता है जब मिनट्स आती है, मिनट्स अभी तक आई नहीं, तो गर्ग साहब हो सकता है कि वहां पे काउंसिल का हिस्सा। दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे अपन, डेवलपमेंट आज ही आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, आज ही हम जीएसटी के आंकड़े तो बहुत अच्छे बता रहे हैं, उसमें इंपोर्ट के ऊपर टैक्स के कितना बढ़ रहा है, इंपोर्ट कितना बढ़ रहा है, आपका जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है इंडेक्स
वो 27 महीने का सबसे लोएस्ट है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स है वो 9 महीने का सबसे लोएस्ट है। हम कौन से डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, कौन से कहां पे डेवलपमेंट है? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आपका इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती जा रही है। पिछले 8 साल में 2.5 गुना हो गया, पिछले 8 साल में आपके रुपए की क्या हालत है आपके सामने? पेट्रोल डीजल कहाँ है, गैस कहाँ है, कोयला कहाँ है? हम एनर्जी क्राइसिस में 2014 तक हम सेल्फ सफिशिएंट थे, एनर्जी में सेल्फ रिलायंट थे, कोयला हमारे पास था, सब कुछ हमारे पास था। आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है कोयला, और ऊपर से सरकार कहती है सब 10% तो आपको कोयला इंपोर्ट वाला यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, क्या है तुगलकी फर्मा? फिर कौन से डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं जी? हमारी गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, यादव साहब 15% कर रही है जी, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, गर्ग साहब सवाल बहुत बड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को अगर ये पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या बातें बोली है तो फिर तो ये आने से कोई मतलब है नहीं। देखिए पीएमआई सर्विस सेक्टर में पीएमआई 59% है, पिछले 11 साल एक बात जानना चाहता हूँ गर्ग साहब, एक बात जानना चाहता हूँ मैं गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कांग्रेस के 2 राज्य में सरकार है, आपको लगता है कि कांग्रेस अगर ऑब्जेक्शन करती भी? मैं योगेंद्र जी ये नहीं बोल रहा, मैं देखो बाबूलाल जी गुप्ता जी का समर्थन करता हूँ, बाबूलाल जी गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की है कि भारतीय का समर्थन कर दीजिए, आप उन्हीं का समर्थन कर दीजिए, कांग्रेस को छोड़िए, समर्थन करता हूँ, लेकिन ये जो कांग्रेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक बात बता दूं सारे सेक्टर के अंदर पीएमआई क्या है सुरेश जी, ये तय मान के चलिए कि व्यापारी जो विरोध कर रहे हैं सर, जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं आप तय मान के चलिए कि कोई भी कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं कर रहा है, उन्हें अपने व्यापार की चिंता, अपने ग्राहक की चिंता है, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल जोगेंद्र जी, मैं बिल्कुल और के प्रवक्ता हूं, ये देश की चिंता को अगर करने की आपका कोई जवाब नहीं आता, उसको इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उस पर पुनः विचार करेगी। आप निश्चित रहिए, मोदी जी जनता के लिए बने हुए, जनता के हित के लिए काम करते जा रहे हैं। आज हम 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो हम किसी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे। प्रवक्ता है, इनको भी देखना चाहिए कि राजस्थान में क्या हालत हो रही है, क्या तुष्टिकरण हो रहा है, क्या चीज हो रही है। जीएसटी पे चल रहे हैं, जीएसटी पे जीएसटी पे अपन एजेंडे पे फोकस करें, अपन अभी तुष्टिकरण, उदयपुर, इन सब चीजों पे नहीं जाएं, प्लीज अपन उसी पे रहें, फोकस करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो है कि हम उसी पे बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये राहत की बात है, आम जनता को राहत मिल सके, हमें फोकस उसी पे करना है कि जीएसटी जो लगाई जा रही है 18 तारीख से, उसको लेकर के जो चिंता व्यापारियों के, आम ग्राहक की है, हर व्यक्ति बहुत ब्रांडेड चीज नहीं खरीदता, वो अपने किराने की दुकान पे जाता है या जो रिटेल स्टोर्स जो है उस पे जाता है, वहां 2 तरह के आपके पास में ऑप्शन है, आप लूज भी ले सकते हैं, लेकिन वही लूज माल अनब्रांडेड पैकेज्ड उसमें है, अब उसे क्या पैसे लगा रहे हैं। गर्ग साहब, यहां बात ये नहीं है कि राजनीति के तराजू में तोलिए मत तोलिए, लेकिन लोग इसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कोई माल है वो सेम पड़ा हुआ है वहां पे, उसी को अगर अनब्रांडेड तरीके से अगर उसी को पैकेज करके दे रहे हैं, आप उस पर जीएसटी लगा रहे हैं, और तर्क ये दिया जा रहा है कि छीजत रोकने के लिए या टैक्स चोरी रोकने के लिए, टैक्स चोरी अगर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इतना मजबूत है तो पकड़ना चाहिए उसको।
बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात तो सत्य है कि निश्चित रूप से, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनी है वो टैक्स चोरी कर रही थी, इस वजह से इसको लगाया है। अब चलिए बाबूलाल जी सवाल कर रहे हैं, गर्ग साहब सबसे लगा दिया गया है। अगर मान लो खुले में कोई माल बेचेगा, ओपन में कोई माल बेचेगा, तो उस पर टैक्स जीएसटी नहीं है। सुरेश जी एक सवाल, जो बाबूलाल जी कुछ कर रहे हैं, सुने सरकार की मंशा, योगेंद्र शर्मा साहब जो बोलो 21वीं सदी में जीने का कर रहे हैं, हो सकता है कि गलती बाबूलाल जी कर रहे हैं, खुले में कितना बाबूलाल जी एक बदल लगता था 21वीं सदी में, हर पैकेज है। यादव साहब आ रहा हूं आपके पास, यादव जी आ रहा हूं मैं बाबूलाल जी कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं, शायद कहीं कुछ मिस्टेक है। देखिए मंडी में माल आता है और ढेर होता है, तब तक किसान का माल है, हम माल व्यापारी को तुल करके आ गया, व्यापारी के उसमें बैग भर गया और बैग भर करके उस पर लेबल लग गया कि भाई ये माल कौन सा है, जैसे गेहूं है तो गेहूं 308 है या कौन से है, फार्मी है, उस पर लिखा जाएगा, लेबल हो गया, पैकिंग हो गई, यहाँ वो जीएसटी लगाएगा। अब यहाँ से वो चाहे जाकर के खुले बिके और चाहे बंद भरा बिके, जब यहाँ वो जब लेके जाएगा, चाहे वो किराने की दुकान वाला ले जाए, चाहे कोई कंज्यूमर ले जाए, चाहे कोई आटा चक्की वाला ले जाए और चाहे कोई आटा मिल वाला ले जाए, कोई दाल मिल वाला ले जाए, यहाँ जीएसटी लगेगा। मंडी में माल पैक होते ही जीएसटी लग जाएगा, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। क्यों है कंसेप्ट, इन्होंने किया है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ये कहता है कि कोई भी माल बिगर पैक हुए, बिगर लेबल के नहीं बिक सकता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत इसको ले लिया गया। थोड़ा सा पीछे हो जाइए गुप्ता साहब, आपका फोरहेड कट रहा, थोड़ा सा पीछे होकर के बोलिए, थोड़ा सा पीछे। हाँ जी, अब आपने बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ इसमें एक्ट ही उन्होंने साफ लिख दिया, जबकि इस एक्ट की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उन्होंने पूरी चीज को शामिल करने के लिए, इसलिए अपने को ये अनुशंसा नहीं करनी चाहिए कि लूज बिकेगा और खुला बिकेगा। खुला तो अब बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मंडी में लीगल पेट्रोलॉजी एक्ट प्रिवेल हो चुका है, और अंतर्गत यह है कि आपका कोई भी माल बिकेगा तो वो पैक होकर के और लेबल लग करके बिकेगा। इवन उस पर अब ये लिखना भी जरूरी हो गया, अभी अभी मैं एक्ट पढ़ रहा था कि उस पर यह लिखना भी जरूरी हो गया है कि किस क्वालिटी का है, कौन से शब्द तक इसकी वो जो एक्सपायरी डेट होगी और ये होगी फला होगी, ये तक भी उस पर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हम क्लियर हैं इस मामले में, बिल्कुल क्लियर हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी से हम बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इसे आप स्थगित कीजिए। बिल्कुल जी, यादव साहब आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपके बात के बाद में, मैं गर्ग साहब से जवाब चाहूंगा। शर्मा साहब, मेरे दोस्त गर्ग साहब कह रहे हैं कि साहब खुले में क्यों नहीं खरीदते, हम 19वीं सदी की बातें कर रहे हैं, शायद हम 21वीं सदी की बातें नहीं कर रहे हैं। कौन सा ग्राहक है, कौन सा कंज्यूमर है जो आज खुले में सामान खरीदता है या उसको मिलता है, किसी भी दुकान पे जाकर के आप खुले में अनाज खरीद सकते हैं, खुले में क्यों खरीद माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा गर्ग साहब, मैं समय का अभाव रोकना चाहूंगा इनको। तो चलिए अब विचार ये है कि 14 तारीख को व्यापारी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और उसके बाद 16 तारीख को पूरे देश भर में मंडियां बंद रखेंगे। विरोध मंडी से ही है, वहीं से आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जहां पे माल आएगा यानी कि मंडी में, वहीं से आप अगर लूज बेच रहे हैं, लूज बेच नहीं सकते, जैसे बाबूलाल जी कह रहे हैं कि वो तो नियम बन चुके हैं, वो लूज बेच नहीं पाएंगे, आपको पैकेज तो करना ही पड़ेगा, पैक करेंगे, आप उस पर लिखा है कि फला ब्रांड, तो ये कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी वाली ब्रांड की बात नहीं, जैसे पैक हुआ उसी के साथ लेबल लग गया उस पर, और लेवल लगने के साथ ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहां से जब टैक्स देंगे तो आप ये तय मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं टैक्स का भी वैट में, जैसे कहा जा रहा था कि एक स्टेज पे इतना वैट लगेगा, वो नहीं, सर्कुलेशन ऐसा हो रहा था कि वो वैट एक ही प्रोडक्ट पे कितनी जगह जाकर के वैट लग रहा है, वहां वैट पे कर रहा है, उसके बाद में अगली जगह भी कर रहा है, वही जीएसटी में है। तो मुझे लगता है कि अभी भी नियमों का सरलीकरण जो है उसकी भी एक बड़ी बहस होनी है, क्योंकि अभी फाइनलाइज जिस स्टेज बेस एप्स को लेकर के चर्चा चल रही है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि इसे और सरल बनाने की कोशिश करिए, इसे जटिल मत बनाइए। तो निश्चित रूप से व्यापारी जो लड़ाई लड़ रहे हैं
वो एक कंज्यूमर पर ही उसका असर आना है। अब वो क्या असर होगा ये देखने वाली बात है। विरोध तय है, अगर 14 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाती है ज्ञापन देंगे, 16 तक को डिसीजन नहीं होता है तो व्यापारी बंद करेंगे। सरकार आमदा है कि 18 से इसे लागू करेंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विरोध का कितना असर हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। आज खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।